मोबाइल पर कॉल कर लोगों से पैसे की ठगी करने के मामले लगातार सुनाई में आते रहते हैं। लोगों में जागरूकता के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयासरत भी है, लेकिन इसके बावजूद ठगी के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण बस्तर जिले में सामने आया। कर्मचारी को कॉल पर क्रेडिट कार्ड की वैधता सीमा बढ़ाने के नाम पर आरोपी ने ठग लिया। प्रार्थी वेंकटेश को 1 सितंबर की शाम एक कॉल आया, जिसमें उनसे उनके क्रेडिट कार्ड की वैधता सीमा बढ़ाने की बात कही गई। इसके बाद वेंकटेश से एक ऐप डाउनलोड करवाया गया। जैसे ही उसने ऐप डाउनलोड किया, उसमें अपनी जानकारियां डाली, उनके अकाउंट से 65,000 रुपए काट लिए गए। शिकायत मिलने के बाद बस्तर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश में साइबर सेल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर ठगी राशि वापस कराई। इसके साथ ही बस्तर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे मैसेज और कॉल से सतर्क रहें जिनमें आपके बैंक से संबंधित जानकारी और ओटीपी साझा करने को कहें। 2022 को यू वेंकटेश नाम के प्रार्थी के द्वारा 65,000 रुपए ऑनलाइन ठगी का शिकायत हमें प्राप्त हुआ था। यह शिकायत हमें 8:30 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी और लगभग 2 से 3 घंटों के अंदर ही हमने उनका 65,000 रुपए फ्लिपकार्ट की सहायता से वापस कराया है। साइबर सेल की ये हमेशा से अपील रही है कि जो भी व्यक्ति हैं वो कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे पहले ट्रांजैक्शन किनको करना है इस चीज़ को वेरीफाई करें।